गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही शानदार चल रही होगी। आइए आज हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 13। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम विथ ए बी पैरेलल डी सी। ए लाइन पैरेलल टू ए सी इंटरसेक्ट ए बी एट एक्स एंड बी सी एट वाई। प्रूव दैट ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी एक्स इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी वाई। अब यहाँ पे देखो, ये ट्रायंगल है राइट, ये वाला ट्रायंगल है, लेकिन अभी हम लोग देखेंगे पहले कि ये एक ट्रेपेजियम है। ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है जिसपे ए बी जो है वो पैरेलल है किसके, सी डी के या डी सी बोलो राइट। यहाँ पे डी सी है तो हम लोग डी सी बोलेंगे। ए लाइन पैरेलल टू ए सी इंटरसेक्ट ए बी एट एक्स, और ये जो बी सी है इस पर वाई जो है वो इंटरसेक्ट किया, और ये जो ए बी है इस पर यक्स जो है ये वाला पॉइंट वो इंटरसेक्ट किया। अब यहाँ पर आपको ट्रायंगल दिख रहा होगा, कौन सा ट्रायंगल, ए डी एक्स। इसको हम लोग कुछ अलग बनाते हैं, है ना, तब समझ में आएगा। ये डी है, ये ए है, ये एक्स है। जैसे कोई भी पैरेललोग्राम है, क्वाड्रेटिक है, या ट्रेपेजियम है, कुछ भी है, या ट्रायंगल है, उसको जब हमको भी प्रूफ करना रहे तो हम लोग अगर उसको तोड़ तोड़ करके मींस अलग अलग करके के उसको प्रूफ करेंगे तो सारी बातें अच्छे से समझ में आ जाती है। तो ठीक, हम लोग यहाँ पर भी वही करते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये वाई है और ये सी है और ये ए है। देखो ए सी वाई ए ट्रायंगल है और ये दूसरा ट्रायंगल है, ठीक है। इन दोनों को हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे, इसके पहले हम लोग देखो एक्स और सी को ज्वाइन किए, ये जो डॉटेड लाइन है ये ज्वाइन नहीं था, मीन्स यहाँ पे लाइन नहीं गई थी, तो हम लोग यहाँ से एक्स और सी को ज्वाइन किए, है ना, एक्स को ले गए सी के पास ज्वाइन किए। अब यहाँ पे हम लोग कौन सा पहले इसको प्रूफ करने के लिए, मीन्स इस वाले एरिया को प्रूफ करने के लिए, एक दूसरे की इक्वल दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले एक दूसरा ट्रायंगल लेंगे, कौन सा, ए सी वाई, ए सी वाई एक हो गया। दूसरा कौन लेंगे, ए सी एक्स। तो हम लोग यहाँ पे पहले लेंगे, लिखेंगे, ठीक है, उन दोनों ट्रायंगल को वही वाला फार्मूला, कौन सा आप लोग जानते हैं बहुत अच्छी तरह से, ठीक वही फार्मूला हम लोग लगाएंगे, कौन सा, जिसमें सेम रहता था बेस और पैरेलल रहता था, और सेम बेस रहे और सेम पैरेलल भी रहे, तो वहां पर डायरेक्ट एक दूसरे की इक्वल हो जाता था, फर्स्ट इक्वेशन बनता था। ठीक वैसे हम लोग सेकेंड इक्वेशन में करते थे, मीन्स यहाँ पर भी वही लगाएंगे, ठीक है। फिर दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो या कंपेयर कर दो एक दूसरे से, तो वहां पर आपका ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा। तो आ जाओ हम लोग लिखते हैं, देखो यहाँ पे हम लोग पहले ज्वाइन करेंगे, क्या लाइन ज्वाइन सी एंड एक्स, ज्वाइन हम लोग किए सी और एक्स को राइट। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल ए सी वाई एंड ट्रायंगल ए सी एक्स, ए सी वाई ये वाला ट्रायंगल, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, यहाँ पे अलग अलग कर लें, ये देखो वाई है और ये सी है और ये ए है, ए सी वाई, और दूसरा क्या है, ए सी एक्स, मीन्स ये डॉटेड वाला है, ये C है और ये X है और ये A है, A C X और दूसरा A C Y, ये दोनों ट्रायंगल है, दोनों को हम लोग अलग अलग ले लिए। अब यहाँ पे करना क्या है, इसमें देखो कुछ सेम है क्या, ए सी यहाँ पर भी है, ए सी यहाँ पर भी है, तो ए सी दोनों में सेम है, सेम क्या हो गया, बेस सेम हो गया। अब पैरेलल क्या है, यहाँ पे देखो ए सी जो है किसके पैरेलल हो जाएगा,
एक्स वाई के, यहाँ पे देखो एक्स वाई है ये वाला लाइन, यहाँ पे देखो ये एसी जो है ये वाली लाइन जो गई है, दिख रही है एसी, वो किसके पैरेलल हो जाएगी, एक्स वाई के। अब यहाँ पे एसी और एसी दोनों कॉमन है तो बेस हो जाएगा, इतना क्लियर हुआ। तो वही हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, आ जाओ आर ऑन द सेम बेस, सेम बेस, ये सब स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा। अगर आप लोग ऐसा नहीं लिखेंगे फिर नंबर थोड़ा सा कम, यहाँ पे नंबर कटता है, इसीलिए तो ये सब प्रूफ वैसे तो आता नहीं एग्जाम में, बट अगर दे दें तो ऐसे अगर आप लोग लिखोगे स्टेटमेंट तो नंबर यहाँ से आप लोगों को मिलेगा। और जैसे जो क्लास टेंथ में टॉपर बच्चे होते हैं वो ऐसे ही लिखते हैं एग्जाम में, उनकी कॉपी ऐसा लगता है कि वो हर एक चीज जो लिखते हैं उसको बताते भी हैं, मीन्स कॉपी में ही, वहां पे थोड़ी ना बोलेंगे। जैसे ये सब है तो हम लोग क्या करते हैं एग्जाम में फटाफट आर, हाँ ये मुझे आ रहा है तो फटाफट प्रूफ डैट ये डैट सिमिलर ट्रायंगल ये सब नहीं लिखते, डायरेक्ट ये वाला लिखेंगे, जैसे एरिया ट्रायंगल ए सी वाई, ए सी वाई इक्वल हो जाएगा किसके, ए सी एक्स के, क्यों, क्योंकि इसका सेम है बेस, एसी एसी दोनों में सेम है और एसी जो है वो पैरेलल है किसके, एक्स वाई के। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी वाई इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी एक्स, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया, राइट। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब जैसे एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया, समझो कि एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया तो हम लोग करते क्या है, ये सब ज्वाइन वाइन नहीं करेंगे, अपने दिमाग में ले लेंगे हाँ किए हैं लेकिन करेंगे नहीं, डायरेक्ट यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी वाई इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी एक्स, क्योंकि घर से रट के गए रहेंगे, ये क्वेश्चन हम लोग घर पे लगाए रहेंगे, हाँ इतना है तो दैट सिमिलर ट्रायंगल, फिर ये वाला जो है वहां पे हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ए डी एक्स इक्वल टू इसके, सेकेंड इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से प्रूफ हो गया, करके आ गए, है ना। स्टेटमेंट आपका सही है बट जब ये सब लिखोगे अच्छे से यहाँ पर आपको मार्क्स मिलेगा, अगर ये तीन नंबर का रहेगा तो डेढ़ नंबर आपका यहीं पे मिल जाता है, जब आप ये अच्छे से लिख देते हो तो यहाँ से ये पता चलता है कि ये वाला जो है एरिया ट्रायंगल इसके इक्वल होगा, ठीक है। अब हम लोग ठीक इसी तरह से दूसरा वाला मीन्स इस वाले दोनों ट्रायंगल में इक्वल करेंगे दूसरे के, है ना। तो अब यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सिमिलरली, सिमिलरली ट्रायंगल ए डी एक्स एंड ट्रायंगल ए सी एक्स, ए सी एक्स ये वाला ट्रायंगल और ए ट्रायंगल ए डी एक्स ये वाला ट्रायंगल, ये फर्स्ट और ये सेकेंड, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल दोनों को कंपेरिजन करो क्या सेम है, ए एक्स यहाँ सेम है, ए एक्स यहाँ पे सेम है, दोनों में ए एक्स सेम है तो बेस क्या हुआ, दोनों में सेम है और पैरेलल क्या होगा, ए बी जो है यहाँ पे देखो ए बी जो है वो किसके पैरेलल हो जाएगा, डी सी के, इस वाले के, ए बी जो है डी सी पैरेलल है, ये क्वेश्चन में है। तो अब यहाँ पे आप लिख सकते हो आर ऑन द, ये वाला इतना ट्रायंगल कोई भी हो यहाँ से आपका सेम रहता है, आर ऑन द सेम सेम बेस, बेस के बाद फिर आपका हर क्वेश्चन में चेंज हुआ, जो बेस रहेगा वही ना आप लोग लिखोगे, यहाँ पे बेस क्या है ए एक्स है, ए एक्स यहाँ पे सेम है, ए एक्स यहाँ पे सेम है, दोनों जब एक दूसरे सेम है तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे ये बेस है, ये बेस दोनों सेम है, तो यहाँ पे लिखे हैं आर ऑन द सेम बेस एंड सेम पैरेलल, एंड सेम पैरेलल, चलो खोजते हम लोग पैरेलल लाइन कौन सा है जो सेम है, ए बी एंड डी सी, राइट। अब यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हो, एरिया,
अ ट्रायंगल ए डी एक्स इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी एक्स। ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब इस फर्स्ट या सेकेंड इक्वेशन को आप लोग ले लो और कंपैरिजन करो एक दूसरे से। अब यहाँ पे देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी एक्स किसके इक्वल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी वाई के, और यहाँ पर एरिया दोनों सेम है ट्रायंगल का एरिया, तो ये किसके इक्वल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी एक्स के। तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन ऑन कंपेयरिंग ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा, डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि अगर हम लोग, अच्छा ऐसा समझो, अगर हम लोग फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को डिवाइड कर दें फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन एंड डिवाइडेड या डिवाइडिंग डिवाइड कर दें। अब यहाँ पे देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी वाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी एक्स इक्वल टू, इसको दूसरे पेंस लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी एक्स डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी एक्स। ये फर्स्ट इक्वेशन है ऊपर वाला, नीचे वाला सेकेंड इक्वेशन है। अब यहाँ पे देखो ये दोनों सेम है, जैसे जब टू डिवाइडेड बाय टू रहता है तो वन आता है, तो ठीक यहाँ पर भी वैसे ये देखो जो ऊपर है वही नीचे है, जब जो ऊपर है वही नीचे है तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाता है, कैंसिल होने के बाद कितना आया, वन आया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी वाई बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी एक्स किसके इक्वल हुआ, वन के इक्वल हुआ। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी वाई इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी एक्स होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ से आपका ये जो है प्रूफ हो गया। एनी कंफ्यूजन, एनीबडी, किसी को भी कोई कंफ्यूजन है तो वो कमेंट में कमेंट कर सकता है, राइट। आई होप ये सब आपको बहुत ही अच्छे से आया होगा, है ना। तो थैंक यू, बाय बाय गाइज। आप लोग हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और ये वीडियो आपको जैसा भी लगे आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू, बाय बाय।